ओके, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था अपना चैप्टर जो था रेशियोस, उसको थोड़ा सा हमने डिफाइन किया था और हमने ये बोला था कि उसके यूजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। यूजर्स ऑफ रेशियोस कौन होते हैं, यानी किन लोगों के लिए ये रेशियोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे एक होता है आपका अपना जो होता है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके क्रेडिटर्स होते हैं, आपके अपना बैंक होता है या बैंक्स होते हैं जहाँ दो चार, समटाइम्स ऐसा होता है कंपनी अकाउंट्स है तो बहुत तीन चार बैंक्स में आपके अकाउंट्स होते हैं, तो बैंक्स वाले जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। और आम जो है वो जनरल पब्लिक जो है वो इंटरेस्टेड होती है आपके रेशियोज में। रीजन ये है कि रेशियोज जो है वो आपकी एक तरफ लिक्विडिटी पोजीशन बताते हैं कि आप जो है कहाँ स्टे कर रहे हैं, क्या आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं टू मीट योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्या आपके पास इतना फंड है कि आप अपने क्रेडिटर्स को पे कर दें, क्या आपके पास इतना फंड है कि जो बैंक लोन्स लिए हैं वो उनका इंटरेस्ट आप पे करें, उनके इंस्टॉलमेंट पे करें आप, क्या आपके पास इतना फंड है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकें, उनको डिविडेंड दे सकें। तो ये वो लोग हैं जो आपके रेशोज में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है जी। अब जो है वो हम अपनी आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमने आपको लास्ट टाइम जो है वो बताया था कि दो तरह के आपके जो है वो रेशोज होते हैं। एक होता है आपका ये हम लेते हैं रेशोज, तो एक इसमें हमारा था लिक्विडिटी रेशोस और दूसरा था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। लास्ट टाइम जो है वो हमने इसके ऊपर वर्किंग की थी और इसको हमने आपको तीन फॉर्मूले आपके सामने रखे थे और आपको बताया था कि ये जो आपके लिक्विडिटी रेशोज हैं ये आपके जो है वो बेस करेंगे एसेट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर, और थर्ड हमने आपसे कहा था कि ये कैपिटल होगा, ये आपके जो है बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं। तो हम वहीं से, ये 2 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा जो है इसका बैकग्राउंड बताया है, रिवीजन किया हमने, अब मैं थोड़ा सा जो है इसके क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आता हूँ कि हम फार्मूले लगाएंगे और वन बाय वन हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं रेशोस कि हमें पता चले टाइम टू टाइम कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ स्टे कर रही है, क्या वो हमारे लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, सेटिस्फैक्ट्री है। जब हमारे पास इतना फाइनेंशियल फंड हो कि हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें तो हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली जो है वो रनिंग कंडीशन में रहता है और हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वरना एक वक्त ऐसा आता है कि अगर हम इसके ऊपर वर्किंग ना करें रेशोज के ऊपर तो फिर जो है वो प्रॉब्लम ये होता है कि ऑल ऑफ सडन हमें जो है वो बैंक्रप्ट हो जाना पड़ता है
और जो है वो बिजनेस जो है वो हमारा फ्लॉप हो जाता है और हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। इसमें हमने एक बात की थी और हम लेकर आए थे वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल का हमने फार्मूला बताया था, करंट एसेट्स माइनस, अब हम इसको जरा शॉर्ट कर देते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सपोज करते हैं हम कि हमारा जो कैश है वो है 15,000, हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है हमारा 5,000, हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी है हमारी 5,000, और ऑन दी अदर हैंड हमारी जो ट्रेड पेबल है वो हम ले लेते हैं 7,000, ठीक है। तो अब हमारे जो करंट एसेट्स बन रहा है वो ये करंट एसेट्स हमारे ये बन रहे हैं हमारे करंट एसेट्स जो कि इक्वल टू बन रहे हैं हमारे 25,000। तो अब हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और ट्रेड पेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी की शक्ल में हमारे पास एक है 7,000। तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो बन रहा है 18,000, ठीक है जी। ये है हमारा वर्किंग कैपिटल, यानी जो हमारे लिक्विडिटी एसेट्स हैं वो इतनी अच्छी पोजीशन में हैं कि जो टाइम टू टाइम डेली एक्सपेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं उसको हम लोग इजीली जो है कोप अप कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसके बाद जो है हम और आगे बढ़ते हैं, दूसरे फार्मूले की हम तरफ आते हैं। अभी एक नज़र आप इसको देख लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए आपके लिए। वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। फिगर मैंने आपको दे दिए, थोड़े से कैश ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज उसका फिगर बन रहा है 25,000। एक हमारे पास लाइबिलिटी है और वो है 7,000। तो जब हम ये माइनस कर रहे हैं 25 में से 7,000 को, तो 18,000 आ रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है जी। फिगर्स हम यही रख रहे हैं लेकिन जो है वो हम थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं, और फॉर्मूला जो है वो हमारा पहला वाला जो है वो बन रहा है हमारा वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो में ये हो रहा है करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग रेशियो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। फिगर सभी हमने वही रखे हुए हैं ताकि जो है वो हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हमारे लिए थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाए। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो में करंट एसेट्स हमारे वही आ रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000, और हमने करंट लाइबिलिटीज ली है अपनी 7,000, और इसका जब हम डिवाइड कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं अपना, तो ये आंसर आपको दे रहा है 25,000 डिवाइडेड बाय 7,000, आंसर आ रहा है आपका 3.57, 3.57:1, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आपने 1 रुपए की पेमेंट करनी है
एक रुपए की पेमेंट करनी है आपने और आपके पास जो अवेलेबल फंड है वो है 3.57 रुपीज़। तो इट मीन्स के अगेन आपकी जो पोजीशन है वो बहुत साउंड है। फेवरेबल आप बड़े आराम से जो है वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो। तीसरे में जब हम जाएंगे तो फिर हम फिगर्स वही रख रहे हैं और फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप नोट कीजिएगा कि ये आंसर थोड़ा सा हमारा जो है वो डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो है वो हमें थोड़ा सा एक और यहाँ पे टाइटल लाना होगा कि हमने अपनी इन्वेंट्रीज को जो है वो माइनस करना होगा। तो माइनस यहाँ पे हमारी इन्वेंट्रीज माइनस नहीं हो रही, तो फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। फिगर तो हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है जी। अब वो जो फार्मूला है वो आपका लगेगा एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से। यही फॉर्मूला है आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन आपने करना क्या है कि इसमें आपने सॉरी ये ज़रा इम्प्रोवाइज्ड है तो प्रॉब्लम तो होगा, लॉकडाउन है, चीज़ें जो है पूरी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ हमने इसको माइनस किया इन्वेंट्रीज को, जब हम ये इन्वेंट्रीज को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो करंट एसेट्स तो हमारा 25,000 है, ठीक है जी। ये हमारा 25,000 अभी भी आ रहा है करंट एसेट्स के नाम से, माइनस इन्वेंट्रीज जो कि इन्वेंट्रीज है हमारी 5,000। तो जब हम 5,000 को माइनस कर रहे हैं उसके अंदर से, तो और 7,000 हमारी ऑलरेडी लाइबिलिटीज है। तो अब ये जो हमारी सिचुएशन बनी है वो ये बनी कि 20,000 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। लास्ट टाइम आया था हमारा आंसर, आप याद रखिएगा, लास्ट टाइम हमारा आंसर आया था 3.57। ये आंसर हमारा आया था 3.57:1:1 जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हम आपको लास्ट टाइम बता चुके हैं। आज जब हम इसमें सॉल्व करने की जा रहे हैं तो 20 को डिवाइडेड किया आपने 7,000 से, तो आपका आंसर आ गया 2.85:1। अब आप देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये देखें, ये चीज देखें आप थोड़ा सा, आपकी जो पोजीशन थी लास्ट टाइम से थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है, लेकिन स्टिल यू आर इन अ मच मच बेटर पोजीशन टू मीट योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। देखें लास्ट टाइम तो बहुत ही अच्छा था हमारा 3.57 था, आपने एक रुपए की पेमेंट करनी थी, आपके पास जो है 2.57 एक्स्ट्रा थे, सरप्लस थे 2.57, क्योंकि 1 तो इसमें से माइनस हो गया था। आज जब हम एसिड टेस्ट रेशियो में जा रहे हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी हमारी डिफरेंट हो गई, आंसर आ रहा है हमारे पास 2.85:1, यानी अगेन एक रुपए की पेमेंट करनी है लेकिन हमारे पास अलहमदुल्ला 2.85 पैसा है। अभी भी हम 1.85+ में जा रहे हैं, हमारे पास जो है वो ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं, किसी किस्म का कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनसीन एक्सपेंस सामने आता है तो वी कैन ईजीली मीट दैट प्रॉब्लम। अभी भी हम 1.85
जो है वो सरप्लस जा रहा है, इवन दो थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है 0.9 कुछ, लेकिन स्टिल वी आर इन अ मच मच बेटर फॉर्म। ये आपका रेशियो का जो था वो प्रीवियस लेक्चर था, क्वेश्चंस थे, रिवीजन हुआ, आज फिर जो है वो हमारा रिवीजन हो गया है। अब हम जो है थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो है वो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जाएंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का क्या होगा, आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं इसमें आपने जो है वर्किंग करनी होगी अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को लेके, ठीक है। और ये दोनों टाइटल जो हैं वो आप बिलोंग करते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट से। तो ये आपको जो है एक तरह से बताएंगे कि आपकी जो इस वक्त प्रॉफिट की, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यूज की पोजीशन क्या है, कहाँ आप स्टे कर रहे हैं एक्सपेंसेस वाइज और कहाँ आप स्टे कर रहे हैं रेवेन्यू वाइज। लास्ट जो था वो आपको बता रहा था फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ठीक है, इनकम बैलेंस शीट के बारे में, और ये आपको बता रहा है कि आपकी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट की इस वक्त पोजीशन क्या है, आपके एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं या कितने डिक्रीज हो रहे हैं, आपकी रेवेन्यूज कितनी जनरेट हो रही हैं, ज़्यादा या कम। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा और वो प्रॉफिट बताएगा कि आपकी एक रुपये की इन्वेस्टमेंट पर आपको कितने परसेंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है और एक रुपए पर ही आपको कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो पूरा का पूरा आपकी अपनी जेब में जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में आपको एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल एक्चुअल आपकी पोजीशन नहीं बताएगा कि वेदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस, या अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना जो है ज़्यादा है, या अभी उसको कितनी आपकी सेल्स को जनरेट करना है, सेल्स को आपको इंक्रीज करना है, मार्केट वाइज मार्केट शेयर आपको और कितना कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। तो इसका फार्मूला देखते हैं, इसके कुछ फिगर्स बिठाते हैं और हम अपनी आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको बताएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय, और जब इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा परसेंट वाइज, परसेंट में मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एक रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है और नेट प्रॉफिट वाइज कितना आपकी नेट प्रॉफिट आपकी जेब में जा रहा है, ठीक है जी। ये आपका फोन, अब हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि हमारी जो नेट सेल्स हैं वो हम रख लेते हैं 125,000 थोड़ी देर के लिए, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो हम रख लेते हैं 85,000
1000 रख लेते हैं हम। हमने जो है उस फिगर्स को बिठाना है और फिर हम देखेंगे कि जो है वो हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्या हमारे को जो है वो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या हमारे को जो है वो कम मिल रहे हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ स्टे कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत कैलकुलेटेड वे में जाएंगी, बहुत काम करना होगा हमारे को इसके ऊपर। ठीक है जी, तो अब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लेट्स से कि 85,000 आ रहा है हमारा, और हमारी नेट सेल्स जो है वो 125,000 आ रही है। 100 से हमने आप इसको जो है वो डिवाइड करना है, फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आया। हमारे ये आंसर आ रहा है 68%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक बार फिर करके देख लेता हूँ कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। 85 divided by 125,000 68 आ रहा है हमारा आंसर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 68% जो है वो इस वक्त हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब हम इसमें से और अदर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो ये 68 से थोड़ा सा जो है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा एक्सपेंसेस भी शामिल हो जाएंगे। तो वो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। ये जो है हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला बैठ रहा है। इसको अब हम थोड़ी सी वर्किंग पे लेकर आएंगे। हम समझते हैं कि जी नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा सपोज करते हैं कि हमारा 35,000 है, जबकि हमारी जो नेट सेल्स हैं वो हम ले लेते हैं जी 85,000 ले लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो ये नेट प्रॉफिट 85,000 और 100। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा कुछ बन रहा है 41%। ये देखें आप, लास्ट टाइम आपका 68 आया था, अब आपका 41 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नेट प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से कम ही होता है, इसके इसलिए कि इसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। अब ये नेट है जो हमारी जेब में जा रहा है, पहले 68 हो रहा था लेकिन अब हो रहा है हमारा 41। तो अब रिड्यूस हो गया, रिड्यूस इसलिए हो गया कि हमने पहले अदर एक्सपेंसेस को इसमें शामिल नहीं किया था। तो ये आपने देखना होगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या जा रही है,
आपकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट कहाँ स्टे कर रही है। नेक्स्ट क्लासेस में हम डायरेक्ट फिगर देंगे और क्वेश्चंस, ये पांच फार्मूले अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो किस तरह जो है हमें सिचुएशंस को डील करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। अब इसमें आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कि आप देखिएगा कि आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। स्टेक होल्डर्स उस वक्त सेटिस्फाई होंगे जब जो है वो आपका जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी स्ट्रांग होगी, तो फिर जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो आपको ज़्यादा पैसा देना पसंद करेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन ये राइज होता है कि जी जो इन्वेस्टर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड है। उसका रीज़न ये होता है कि जितने ज़्यादा आपके क्रेडिटर्स होते हैं समटाइम्स वो आपका प्लस पॉइंट भी बन जाता है, इसलिए कि जब ज़्यादा आपके क्रेडिटर्स होते हैं ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी बनी हुई है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग जो है वो आपको क्रेडिट पे सामान दे देते हैं, इसलिए कि आपकी रेपुटेशन है, आपकी जो पर्सनल कैरेक्टर है वो इतना अच्छा है कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप मार्केट में चीट किसी को नहीं करते, टाइम पे पेमेंट करते हैं, आपकी डीलिंग बिल्कुल फेयर होती है। तो समटाइम्स बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर क्रेडिटर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्रेडिटर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्रेडिटर्स कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका हमारे पास एडवांटेज ये भी होता है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, ज़्यादा क्रेडिटर्स आपको क्रेडिट पे सामान देना पसंद करते हैं। बैंक आपकी पोजीशन देखता है तो बैंक आपको जो है लोन प्रोवाइड करने में किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं करता, वो कहता है कि नहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी है कि आप जो है वो अपने एक्सपेंस, आप जो है वो हमारा बैंक लोन की स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट भी जो है वो पूरी कर देंगे, और प्लस उसका जो मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली जो आपका इंटरेस्ट है वो आप उसको पे करने के काबिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत काउंट होती हैं। फिर जब हम ये इसमें आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में आते हैं, तो उसमें जो है मैंने आपको बताया कि आपको ये देखना होगा कि आपकी सेल्स कहाँ जा रही है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको सेल को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। आपको ये देखना होगा कि जी आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कितना आपने कर्व करना है, कहाँ तक आप उसको कर्व कर सकते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसमें कितनी जो है वो आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपको बताता है कि जी सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो फिर आपके लिए एक बिल्कुल क्लियर विजन सामने होता है कि हमने जो है कहाँ से जो है रॉ मटेरियल को बाय करना है और किस कीमत पे हमने जो है वो बाय करना है, ताकि हमारी कम से कम कॉस्ट जो है वो आए प्रोडक्शन के ऊपर। हम क्वालिटी पे कभी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि जो है वो इस हद तक हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि वो मेंटेन रहे, कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मेंटेन रहे, क्वालिटी वाइज भी हमारे को कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो हमारे नीचे के जो एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हैं उन पे भी चेक एंड बैलेंस रहे। क्योंकि अभी आपने नोट किया कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 68 आ रहा था और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 41 आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो ठीक ठाक आ रहा है। तो उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, उसको आप देखेंगे कि किस हद तक जो है कम करें। अगर आपने कुछ सैलरीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है तो किन लोगों को आपने फारिग करना है वो आप देखेंगे, कितने लोगों को हमने काम करना है, या जो हम कम कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम क्या एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए कि उन लोगों की कमी जो है वो पूरी हो जाए। तो ये ऑल टुगेदर ये जो रेशियोज होते हैं ये आपके डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, और जब आपके पास
डे टू डे, वीकली आपके पास ये फिगर सामने रखे होते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए इजी हो जाता है प्लानिंग करने के लिए। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम पांचों के पांचों जो है फॉर्मूलेस को करेंगे, फिगर के साथ करेंगे, और एक ठीक ठाक क्लियर कट जो है वो पोजीशन हमारे सामने आ जाएगी, आपको जो एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज रेशोज आर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस, विद मोर इलस्ट्रेशंस। ये हमने एक तरह का दोबारा से जो है रिवीजन किया, देखा कि हर चीज़ हमारी पहले की तरह चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। फिर आप कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगी, वर्कशीट्स मिलेंगी, होमवर्क मिलेंगी, तो फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।